सो मैंने एक ये टेक्सचर बना लिया है और उसके कुछ चंक्स निकाल के रख दिए थे और शेप्स बना दी, इसके चंक्स निकाल दिए, जो बचा हुआ पाउडर था उसका पेस्ट बना के रख दिया, इसके चंक्स निकाल दिए, इसकी शेप्स बनाऊंगी, ये शेप्स बन चुकी है और ये शेप्स बन चुकी है। ठीक है, इतनी बुरी हालत है ना छत की, समेटना इतना डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर जगह पहले तो जो टेक्सचर इतना बुरी तरह नीचे जमा हुआ है ना उसको पत्ती से साफ़ करना पड़ता है, फिर पत्ती से स्क्रैच करके जो साइडों में जमा होता है जैसे कि उसके जमा हुआ है, फिर उसको मैं ब्रश से साफ़ करती हूँ और इतना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इतना ज़्यादा क्वांटिटी में टेक्सचर है और यहाँ पे मैं अगर जो इसको स्क्रैच करके बनाऊंगी ना तो इधर उधर फैल जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको क्या करते हैं, अगली बार ना थोड़ी उधर उधर करके शुरू करूँगी, इस बार क्या करते हैं कि इसको पानी में ही डाल देते हैं, पानी में डाल के मैं कल आके या जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसको निकाल दूँगी। ठीक है, एक मिनट मैं देख लूँ थोड़ा वाइड क्या, हाँ हो सकता है। ठीक है, सो मैं पानी में डाल दूँगी और आके बाहर ही इसको निकाल दूँगी, चंक्स निकलेंगे या बॉल्स बन जाएंगी या शेप्स जो भी होगा देखा जाएगा। ओहो, तो इतने झटके मार, पानी थोड़ा होगा पर पानी बहुत ज्यादा था। बारिश ना आए ना, और 2 दिन जैसी धूप रही है वैसी ही धूप रहे, बारिशें भी ब्रेक नहीं रहती, सीधा बस जबर बारिश जाती है। मैं 5 बजे आई थी, मैंने सोचा था 4 बजे आऊँगी पर मैं सो गई, आँख लग गई और मुझे किसी ने 4 बजे उठाया नहीं। 5 बजे फिर मैं चाय पिया और फिर तभी भर गया। आप लोगों ने बहुत सारी प्रेयर्स करनी है कि इस बार वर्क प्लेस पे कुछ भी ना खराब हो, मैं ऐसी अरेंजमेंट करूं कुछ भी खराब ना हो। देखो बारिश हो तो रोक नहीं सकते,
कितने अच्छे सुंदर बादल हो रहे हैं। नीचे ना जा, पहले टेक्सचर इतने ज्यादा वेस्ट हो चुके हैं। पता है मुझे टेक्सचर पूरा टब में डालने के बाद पानी डालना चाहिए था। मैं थोड़ा सा पानी वहां से भर के ले आई, इस टब में शायद भरा ही हुआ था। चलो इसको मैं अच्छे से डीप क्लीन करना पड़ेगा, पत्ती वत्ती से तरूंगी, आप लोग बोर ना हो जाओ ना। अच्छा और क्या करूँ, हाथ धोती हूँ पहले तो, ठीक है फिर थोड़ी बहुत मड की क्रम्बलिंग कर लेते हैं। चलो जी, तो लोगों ने कहा ना क्रम्बलिंग तो की नहीं। अच्छा तो पाउडर ही है, साउंड पता नहीं क्यों नहीं आ रही। बेचारे ऊपर से भीग गए थे, फिर जब यहाँ पे थोड़ी धूप देर तक रहती है ना, मैंने उसको प्लेट में निकाल के रख दिया, हवा से और धूप लगी है थोड़ी बहुत, तो थोड़ा ड्राई हो गया। सॉफ्ट टेक्सचर, इसकी क्वांटिटी इतनी कम हो गई है। चलो जी अभी क्रम्बल हो गई है, चलो। अच्छा मैंने ना पेस्ट, पहले मौसम देख लो कितना बढ़िया हो रहा है, चांद इतना खूबसूरत, ठीक है। और वहाँ से शीट उठा के ना, वहाँ से जॉइंट पहले करती हूँ, कितने टेक्सचर, 1 2 3 4 टेक्सचर बने हैं, चलो पांचवा, चलो छोड़ो इसका नहीं गिनते, इसको देखती हूँ मैं बनाती हूँ क्या नहीं अभी, ठीक है। और बाकी कल की अपडेट। अच्छा चलो मैं थोड़ी वो बाउंड्री जो मैंने तोड़ी थी उसको ज्वाइन कर लेती हूँ। मैंने ये पेस्ट बना के रखा था पर ये मेरे से ज़्यादा गिल्ला हो गया था, सो मैंने क्या करा इसको रख दिया, मैंने सोचा कल बनाऊँगी, पर ये अभी एकदम सही इसकी कंसिस्टेंसी दे दी है। टब हटाऊँ, ठीक है यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। अच्छा ये थोड़ा येल्लो क्यों है मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो पहले तो देख ही लो कैसा ये है, इसके अंदर क्या क्या है, पहले मैं बना लूँ अच्छे से,
ये पास हो गया फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। बहुत ही अजीब पेस्ट है। अगर जो ये काम हो गया ना तो फिर मैंने सारी स्लैब्स ऐसी ही बनानी थी, बस हो जाए ये काम। ज़्यादा लिक्विड तो नहीं है ये, आगे आना पड़ेगा मुझे। ओहो देखो इतना ज़्यादा सिल्की सा पेस्ट है, थोड़ा और इसको हार्ड होने देना चाहिए अभी मुझे, ऐसे तो ये काम नहीं करेगा। देखती हूँ पहले, अभी पूरी ही लगाऊंगी इसको, मैं हाथ से ही कर देती हूँ। ओके यहाँ से निकला पड़ा इतना सारा वेस्ट इसका। पूरे में नहीं लगाया, ठीक है। ओके एक छोटा सा काम और करा मैंने ब्लॉग में।